हैंडिंग गेमर्स वेलकम टू द हैंडिंग गेमर चैनल, जहां बात करते हैं गेम्स की पीसी। तो आपको इंटरेस्ट है गेम्स की पीसी में तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम बात कर रहे हैं कुछ वेबसाइट जिस पर पीसी कंपोनेंट्स बिकते हैं, उन पर कैसे थोड़ा सा कुछ गलत काम हो रहे हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगे और आपको भी जानना चाहिए। उन लोगों को पता लगता है जो एक्चुअली में खरीदते हैं, जो उसे प्राइस कंपैरिजन करते रह जाते हैं उनको नहीं पता चलता है। अगर आपको जेन्युइन विंडोज 10 ओईएम की चाहिए तो आप yourcdgeek.com से खरीद सकते हैं। यहाँ से आप विंडोज की, स्टीम की और भी कई डील्स पा सकते हैं एट लो प्राइसेस। विंडोज 10 ओईएम की खरीदने के लिए आप बाय नाउ बटन पे क्लिक करें, फिर प्रमोशन कोड बॉक्स में GA20 टाइप करें डिस्काउंट पाने के लिए। इसके बाद अपना पेमेंट मेथड चूज कर लें, आपको आपकी की ईमेल या फिर यूजर सेक्शन पर सेंड कर दी जाएगी। की को यूज करने के लिए विंडोज सर्च बॉक्स में जाकर एक्टिवेशन टाइप करें, एक्टिवेशन विंडोज ओपन हो जाएगी। उसमें चेंज प्रोडक्ट की पर क्लिक करें, अपनी की एंटर करें और आपकी विंडोज एक्टिवेट हो गई। yourcdgeek.com के बारे में और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, जैसे आप अगर बाहर से मंगाते हो सामान तो कई वेबसाइट्स हैं जो आपको ये बताती नहीं कि आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी, कि आपको इंडिया में वारंटी नहीं मिलेगी उस प्रोडक्ट पे। ये कई लोगों को नहीं पता होता, वो बाहर से मंगा लेते हैं। दूसरा, कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि जब आप बाहर से मंगाते हो तो उस पे आपकी इंपोर्ट ड्यूटी लग सकती है। हो सकता है कई बार तो प्रोडक्ट निकल जाते हैं अगर सस्ते होते हैं, लेकिन अगर महंगे होते हैं तो उन पे लगती है इंपोर्ट ड्यूटी 30-30% तक लगती है। आप ऐसा समझो, अगर मैंने कहीं चाइना वाइना से भी सामान मंगाया है तो 3,000 वाली चीजों पे तो नहीं लगी है, लेकिन 5,000 से ऊपर वाली पे कई कई बार लग गई है। जैसे 6,500 की कोई चीज मंगाई मैंने, 1,500 उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लग गया, बाहर आ गया तो पैसे ना दूं। वो बाद में पता चलता है लोगों को कि ये पंगे हैं, या तो आपका कस्टम रुक जाएगा, वहां पैसे मांगे जाएंगे, कहीं ना कहीं आपसे पैसे मांगेंगे और लोगों को ये पता नहीं होता। वो सिर्फ प्राइस कंपैरिजन करते हैं कि अमेरिका की वेबसाइट पे इतना बिक रहा है, यहाँ पे इतना बिक रहा है तो मैं वहां से मंगा लेते हूँ। दूसरी, मैं आपको एक एडवाइस यहाँ पर दे दूँ, अगर आप अमेरिका से मंगा रहे हो, किसी बंदे से सामान मंगा रहे हो, आप वेबसाइट से नहीं, कोई आपका दोस्त आ रहा है, कोई रिश्तेदार आ रहा है, तो उससे एक बार को ये कह दो कि जैसे लैपटॉप वगैरह लाता है खोल के रख ले, क्योंकि कई बार क्या होता है जब पैक आप पूरा ला रहे हो तो कस्टम वाले भी समझ जाते हैं किसी और के लिए आ रहा है, इस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ और तब हाथ से बात निकल जाती है। तो अगर आप ला रहे हो तो आप खोल खाल लो, तो उससे ये हो जाता है कि जो बंदा ला रहा है वो यूज कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते कस्टम वाले, तो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी बच जाएगी। दूसरी बात, आ जाओ आप इंडिया में वापस, बाहर वाली बात तो चलो हो गई, क्योंकि कई लोग होते हैं कंपेयर करते हैं कि बाहर इतने का बिक रहा है और यहाँ इंडिया, वो यूएस वाला प्राइस है ना, वो यूएस वाला है, वहां की टेक्नोलॉजी, उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगी, कुछ नहीं लगा हुआ, तो वहां तो सस्ता पड़ेगा। अब आ जाओ आप इंडिया में, इंडिया में क्या है, कई वेबसाइट्स है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, क्या है, आप प्राइस कंपेरिजन करना शुरू करते हो, ठीक है, आपके 100 रुपये आपने यहाँ बचा लिए, 150 रुपये वहाँ बचा लिए, 50 रुपये यहाँ बचा लिए, तो आपका कुछ बचा बचू के 500-600 आपने बचा लिए। फिर पता चलता है जब आप एक्चुअली में खरीदने जाते हो तो जो बिल्कुल ही चेकआउट करने वाले होते हैं वहाँ वो कहते हैं भैया शिपिंग के लिए लाओ इतने, और फला फला हमारे ये भी चार्जेस ना लाओ इतने, और वो चार्जेस 400-500 रुपये तक के बैठ जाते हैं, जो आपकी सारी होशियारी थी वो धरी की धरी रह गई। यानी कि जो आप 100-100 रुपये हर जगह कंपेयर, 4-5 वेबसाइट से कंपेयर कर रहे थे, वो अल्टीमेटली आके आपके चेकआउट पे बराबर हो गए। तो इस तरह की डूबियस थिंग थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लगती है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो साफ साफ कहती हैं यही प्राइस है। फॉर एग्जांपल, अब आप जानते हो, आप लोग शॉपिंग करते हुए आ रहे हो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो है कोई हिडन चार्जेस नहीं लगाते हैं, जितना आपको वेब पेज पे दिखाई दे रहा है उतना ही दे, अगर शिपिंग है तो वही लिखी होगी, और ज्यादातर तो वो बहुत सस्ते आइटम के लिए होता है, जो प्राइम वाले हैं उनको ज्यादातर चीजें शिपिंग फ्री ही मिलती है, उसमें कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती है। वही दूसरी वेबसाइट्स होती हैं, बाद में पता चलता है कि वाह भाई वाह, मैं SSD खरीदने निकला था यहाँ पे और बड़ी सस्ती है, 100 रुपये सस्ती है, बाकी सब जगहों पे 200 रुपये सस्ती है, पता चला चेकआउट कर रहा हूँ तो वो 500-500 रुपये उन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ दिए। वो किसे पता चलता है, ये उन्हीं लोगों को पता चलता है जो एक्चुअली में खरीदने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी लिस्ट बनाई उस वेबसाइट पे, बड़े खुश हुए कि हमने इतने पैसे बचा लिए और खरीदने जा रहे हैं वहाँ। और आप ऐसा समझो, आपको अगर 10,000 रुपये का आइटम है उसमें 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं चेकआउट हैकआउट पर, तो भाई 10,000 रुपये पर 500 रुपये मायने रखते हैं यार, कम ऑन। और वहीं दूसरी वेबसाइट है जो साफ साफ बता रही कि मेरा इतना प्राइस है, मेरे इतने पैसे हैं, तो वो सस्ता बता रही है। और मैं ये कह रहा हूँ, प्राइस पैसे वैसे की बात हो ना हो, ये मैं पहले से बताया जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पूरी लिस्ट बनाई, हम तो यही किसी वेबसाइट के भरोसे बैठे हुए थे कि सबसे सस्ता सामान देती है, हम दूसरी वेबसाइट पर जा ही नहीं रहे, देख भी नहीं रहे, उनकी सर्विसेज तक चेक नहीं कर रहे हैं। वहीं इस वेबसाइट ने क्या किया, एंड में जब बिल्कुल ही खरीदने पे आया तब इसने पूरा जो है भांडा फोड़ किया कि 500-600 रुपये हमारे कस्टम के हैं, इतने हैं और इस बात के हैं लाओ, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ें जो हैं इंडियन वेबसाइट्स पे जिन पे पीसी कंपोनेंट्स बिकते हैं, इन पे ये चल रही हैं। आपका भी अगर कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो जब आपने शॉपिंग करी हो इन वेबसाइट से, तो वो शेयर करिएगा कमेंट्स में, और आपने कैसे टैकल किया, जिससे कि और लोगों को पता चले कि चल क्या रहा है, क्योंकि सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कई लोगों के साथ ही होती हैं, उन्हें पता होता है कि मेरे साथ बुरा हुआ है, तो वो सब चीज़ें आप शेयर करो कमेंट्स में। वीडियो चलाओ तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें, मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं, चल मिलता हूं वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय टाटा।